बिग बॉस 12 की विनर दीपिका कक्कर के शौहर को आया गुस्सा। शोएब ने दिया ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब। दीपिका के इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद भी फैंस उन्हें ट्रोल करना बिल्कुल नहीं भूलते। रिसेंटली शोएब अपने फैंस से सोशल मीडिया पर इंटरेक्ट कर रहे थे, तभी एक फैन ने सवाल पूछा, दीपिका जी हमेशा सलवार सूट में ही क्यों होती है, क्या आपकी फैमिली फोर्स करती है? इसका जवाब मैं आपको देना जरूरी नहीं समझता, सच मैं जानता हूँ और मेरी वाइफ जानती है, बाकी जिसकी जैसी सोच वैसा ही सवाल, ऊपर वाला आपको खुश रखे। भाई लोगों को बहुत दूसरों की लाइफ में घुसने की आदत, टोटली अग्री, और इस वक्त हमसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। यू बोथ मेक बिलीव दैट मैरिज इज नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड, आई वॉज स्टक बट नाउ आई एम क्लियर, थैंक यू बोथ, इट्स अस हु कॉम्प्लिकेट इट। सादगी, प्यार और ईमानदारी से निभाया कोई भी रिश्ता कॉम्प्लिकेट नहीं हो सकता। व्हाट इज लव फॉर यू एंड हाउ यू हैंडल ट्रोल्स, ट्रोलर्स का क्या है, खाली बैठे रहते हैं, दूसरों की खुशियों से जलते रहते हैं, द बेस्ट वे इज टू इग्नोर, एंड लव है तो जिंदगी खूबसूरत है। हाउ यू डील विथ नेगेटिविटी ऑन सोशल मीडिया एंड वेन पीपल सेज मीन थिंग, इग्नोर, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। आई एम डाइवोर्सी बट शोएब यू, यस यू हर्ड इट राइट, you inspired one man who is now my husband. I am more than grateful to hear this. May Allah bless you both and always keep you both happy. ये सुन के आज थोड़ा सा खुद पे प्राउड फील हो रहा है। अलहम्दुलिल्लाह। भाई सम टिप्स की लड़की का दिल कैसे जीते, जस्ट बी योरसेल्फ एंड गिव हर ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट। कुछ फेक करने की कोशिश करोगे तो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाओगे। वेल तो देखा आपने, कभी कभी फैंस ये भी भूल जाते हैं कि आपको उनकी पर्सनल लाइफ में स्पेस देने की जरूरत है। हर चीज में अपना ओपिनियन बनाना सही नहीं है। वैसे आप शोएब के इन रिप्लायों पर क्या कहोगे और उनके रिप्लाई से कितने सहमत हैं? जल्दी से अपने लाइक्स और कमेंट्स कर हमें जरूर बताएं। और टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।